भारत की एक नकदी फसल गन्ना, जिससे किसान, चीनी उद्योग और विदेशी निर्यात सभी लाभान्वित होते हैं। विश्व भर में गन्ना उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में सालाना 45 से 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है और प्रति हेक्टेयर औसतन 70 टन की उपज प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार अपने देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, जिनमें अकेले यूपी से 41% गन्ने का उत्पादन होता है। लेकिन उत्पादकता की नज़र से देखें तो हम दुनिया के दूसरे देश जहां गन्ने का अच्छा उत्पादन होता है, उनसे अपने देश की गन्ना उत्पादकता काफ़ी कम है। ऐसे में क्या ऐसा किया जाए कि कम क्षेत्रफल में निर्धारित समय में ही उत्पादकता को बढ़ाया जा सके? तो जवाब है, गन्ने की फसल में पोषक तत्वों का समुचित प्रबंधन, और इसके लिए किसान को पोषक तत्वों के महत्व को समझना होगा। तो पोषक तत्वों में सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन गन्ने की उपज और गुणवत्ता को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन की कमी से गन्ने के पौधे आकार में छोटे और कमजोर रह जाते हैं। पत्तों का रंग हल्का हरा या पीला हो जाता है और तने भी पतले रह जाते हैं। वहीं जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देने पर भी विपरीत प्रभाव फसल पर पड़ता है। वानस्पतिक बढ़वार का समय लंबा हो जाता है, पकाव में देरी होती है, गन्ने के रस की शुद्धता भी प्रभावित होती है और तने कमजोर होने से गन्ने के गिरने की संभावना रहती है। गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा 3 या इससे ज्यादा भागों में बांट कर देनी चाहिए। पहली बुआई के समय, दूसरी फुटाव के समय और तीसरी तने के विकास के समय। खड़ी फसल में 30, 60 और 90 दिन की अवस्था में नाइट्रोजन का उपयोग फसल के लिए अच्छा रहता है, और नाइट्रोजन की मात्रा देने के बाद मिट्टी चढ़ाना भी बेहद जरूरी होता है, ताकि नाइट्रोजन का वायुमंडल में विलय ना हो। इसके बाद बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की उचित मात्रा जड़ों के विकास और गन्ने की संख्या दोनों को बढ़ाने में सहायक होती है और पकाव भी जल्दी होता है। इसके अलावा रस के शुद्धिकरण के लिए भी फास्फोरस जरूरी होता है। फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दी जाती है, जिसे गन्ने के बीज के टुकड़ों के नीचे रखा जाता है। आमतौर पर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 45 से 70 किलोग्राम फास्फोरस पर्याप्त रहता है, या 100 से 150 किलोग्राम DAP देकर आप फास्फोरस की इस मात्रा को पूरा कर सकते हैं। अब पोटाश का महत्व सुनिए। सभी दूसरे तत्वों के संतुलन और सक्षम उपयोग के लिए ये तत्व बेहद जरूरी है। पौधे में शर्करा बनाने और इसके संग्रह में पोटाश की अहम भूमिका होती है। इसकी पर्याप्त मात्रा पौधों का कई बीमारियों से बचाव करती है, जबकि इसकी कमी से पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है और पत्ते पीले होकर सूखने लगते हैं। आमतौर पर प्रति हेक्टेयर फसल के लिए 100 से 120 किलोग्राम पोटाश पर्याप्त रहता है। पोटाश देते समय ये ध्यान रखें कि पोटाश की पूरी मात्रा एक ही बार में देने की बजाय 2-3 भागों में बांट कर दें। नाइट्रोजन के साथ ही पोटाश की मात्रा देना फसल के लिए फायदेमंद रहता है। इसके बाद आता है सल्फर, जिसकी पौधों के हरित पदार्थ के निर्माण में अहम भूमिका होती है। सल्फर की कमी से पत्तियां सिकुड़ी हुई और छोटी दिखाई देती हैं और धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं। सामान्यतः प्रति हेक्टेयर फसल के लिए 30 से 40 किलोग्राम सल्फर की सिफारिश की जाती है, और अगर भूमि में सल्फर की मात्रा कम हो तो प्रति हेक्टेयर के लिए 60 से 80 किलोग्राम सल्फर पर्याप्त रहता है। मैग्नीशियम की बात करें तो इसकी कमी से गन्ने की पत्तियों का हरापन फीका पड़ जाता है और पत्तों पर लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। फसल में मैग्नीशियम की कमी की पूर्ति के लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट दिया जा सकता है। इस रसायन का पर्णीय छिड़काव भी आप कर सकते हैं। वैसे पत्तियों का सिकुड़ना और पीला होना कैल्शियम की कमी का भी कारण होता है। इसकी कमी से पत्तों के सिरे और किनारे मुड़ जाते हैं और पुरानी पत्तियां सूख जाती हैं। आप कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट देकर कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। जिंक की कमी से भी पौधों का विकास रुकता है और पत्तों पर कत्थई रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं।
इससे बचाव के लिए बुआई के समय ही प्रति हेक्टेयर भूमि के लिए 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की सिफारिश की जाती है। और अगर खड़ी फसल में बढ़वार की शुरुआती अवस्था में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें, तो जिंक सल्फेट के 0.5% के घोल का यूरिया के साथ खड़ी फसल में एक या दो छिड़काव करें। मैग्नीज की कमी से पत्तों का हरापन घटने लगता है और बहुत ज्यादा कमी होने पर पीली पत्तियां सफेद दिखने लगती हैं। तो जिन क्षेत्रों में मैग्नीज की कमी हो वहां प्रति हेक्टेयर भूमि के लिए 10 से 20 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट का उपयोग करना चाहिए, या खड़ी फसल में ये समस्या दिखने पर 0.25% से 0.5% का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव करें। कॉपर तत्व का प्रोटीन और हरित पदार्थ के निर्माण में अहम योगदान रहता है। कॉपर तत्व की कमी से पौधे के ऊपरी पत्ते मुरझाए से दिखते हैं और तना बहुत नरम हो जाता है। कॉपर की इस कमी को पूरा करने के लिए प्रति हेक्टेयर खड़ी फसल पर 10 किलोग्राम कॉपर सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। बोरोन तत्व शर्करा के स्थानांतरण और हार्मोन्स के विकास में सहायक होता है। बोरोन की कमी से पत्तियों के किनारों पर पारदर्शी धब्बे बन जाते हैं। प्रति हेक्टेयर फसल में 5 से 10 किलोग्राम बोरेक्स देकर बोरोन की कमी को पूरा किया जा सकता है। अगला तत्व है मॉलिब्डेनम। इस तत्व की कमी से गन्ने की वानस्पतिक बढ़वार में रुकावट आती है और गन्ना भी पतला हो जाता है। इस तत्व की कमी की पूर्ति के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट के 0.1% घोल का छिड़काव किया जा सकता है। गन्ने की फसल में समुचित और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सुझाव ये है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित करें। पोषक तत्वों के रसायनों के उपयोग के साथ जैव उर्वरकों व खादों में विशेषकर नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट और अजैटोबैक्टर का एकीकृत पोषक तत्व उपयोग करके उत्पादकता के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी की जा सकती है, जो सतत खेती के लिए बेहद जरूरी है। ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करके आप प्रति हेक्टेयर गन्ने की 100 टन से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।